बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि एक एक दिन में 3 से 4 लैब करके उनके सॉल्यूशन अपलोड करो अपने चैनल पे। यार प्लीज इफ पॉसिबल सब्सक्राइब करना, बिकॉज ये लैब करना तो बहुत ही छोटा काम है, बाकी जो बैकएंड में काम होता है वो मिला के एक वीडियो में 4 घंटे लगते हैं मिनिमम। ठीक है प्लीज यार इफ पॉसिबल सब्सक्राइब करना, जिससे मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन आएगी और काम करना है। ठीक है हे ऑल, दिस इज योर बॉय बीटेक कॉमर्स वाला एंड मैं गूगल का रेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जिसमें अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट क्वेस्ट कर लिया, फर्स्ट स्किल बैच कर लिया, सेकंड क्वेस्ट कर लिए, आज हम लोग सेकंड स्किल बैच की चैनल लैब करेंगे, तो हम लोग की ये चारों चीजें खत्म हो जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज की डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेना, उसमें अब तक की प्लेलिस्ट की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर तुम्हें कुछ लगे कि ये नहीं आता, ये मिस हो गया, तो वो वहां से जाकर देख लेना, पर एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख जरूर लेना। ठीक है तो चलो शुरू करते हैं अपनी सेकेंड क्वेस्ट की चैनल लैब के साथ, तो इस पर क्लिक करते हैं। इस स्किल बैच में जितनी लैब्स हैं वो सारी सेकेंड वाली क्वेस्ट में थी और उन सबके सॉल्यूशन मेरे चैनल पे आ चुके हैं और उसकी नीचे मैं लिंक भी दे दूंगा और आज हम लोग करेंगे ये वाली चैनल लैब। ठीक है चलो यार पहले मैं साइन इन कर लेता हूँ। ठीक है मेरे में क्वेश्चन कंप्लीट क्यों है, ये सब क्वेश्चन के आंसर्स मैं पहले दे चुका हूँ इंट्रो वीडियो में, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है तो आज हम लोग ये वाली चैनल लैब करेंगे, चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट लैब करते हैं। सो यार ओपन गूगल कंसोल करते हैं, इसमें अपना यूजर नेम पेस्ट करता हूँ। ठीक है अब यहाँ से पासवर्ड कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड पेस्ट करता हूँ। इसमें यहाँ 2 यूजर नेम क्यों है, क्योंकि यार चैनल लैब में वही चीजें होती हैं जो क्वेस्ट में सिखाई जाती हैं, तो क्वेस्ट में क्लाउड आईएम के ऊपर था, आईएम मतलब आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, तो उसमें 2 यूजर नेम रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए इसमें 2 यूजर नेम दिए हैं। ठीक है अगर वो आपको नहीं पता तो आप जाकर देख सकते हैं, उसकी लिंक भी नीचे आ जाएगी। ठीक है तो यार अब एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये बेसिक चीजें अब तक आप समझ गए होंगे अगर आप मेरी प्लेलिस्ट पहले से फॉलो कर रहे हैं, तो अब कंफर्म कर देते हैं। ओवरव्यू आप पढ़ लीजिएगा, मैं मेन मेन चीज पढ़ लेता हूँ। चैलेंज का सिनेरियो पढ़ लेते हैं हम लोग। ग्रेट और रिसोर्सेज इन द यूएस ईस्ट 1 रीजन बनाना है, ये ध्यान रखना, और F1 माइक्रो लेंगे स्मॉल लिनक्स के लिए और N1 स्टैंडर्ड 1। ठीक है ये मेन बेसिक चीजें हैं। ठीक है यहाँ पे आई एग्री कर देना और एग्री एंड कंटिन्यू। ठीक है हम लोगों को पहले क्या बनानी है, क्रिएट अ बकेट बनानी है स्टोरेज ऑफ फोटोज के लिए। बकेट बनानी है तो हम लोगों को क्लाउड स्टोरेज में जाना पड़ेगा, क्लाउड स्टोरेज चला गया मैं। बकेट के नेमिंग रूल्स को बचाने के लिए कोई ऐसा नाम रखना होता है जिसमें बकेट का नाम सेटिस्फाई करे, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था हमेशा GCP की प्रोजेक्ट आईडी कॉपी करके बकेट के नाम में पेस्ट कर दीजिएगा, ये सारे नेमिंग रूल्स पर खड़ा उतरेगा। ठीक है तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, कंटिन्यू और देख लेते हैं, और तो कुछ नहीं करना है। नहीं नहीं ठीक है तो रीज़न ये है, ठीक है सीधा क्रिएट, ठीक है ये हो गया। अब क्या करना है, क्रिएट अ पबसब टॉपिक। अब पबसब वाली लैब में मैंने आपको पबसब क्या होता है ये सब बताया था, और पबसब होगा बिग डेटा में जितना मुझे पता है जी, इस पर क्लिक कर देते हैं। और टॉपिक का नाम तो कुछ कहा नहीं है रखने को, ठीक है कुछ भी रख देंगे। ठीक है क्रिएट टॉपिक पे जाते हैं, टॉपिक आईडी, टॉपिक का नाम देना है तो टॉपिक का नाम दे देते हैं माय टॉपिक, ठीक है कुछ भी दे दो यार तुम्हारी मर्जी। ठीक है बाकी सब डिफॉल्ट रहेगा, ये हो गया। ठीक है आई होप अब तक बकेट बन गई होगी, तो चेक माई प्रोग्रेस करते हैं, हाँ बकेट बन गई है, ये हो गया। आप क्या करना है, क्रिएट द थंबनेल क्लाउड फंक्शन। ठीक है क्लाउड फंक्शन हम लोगों ने सीखा था क्वेस्ट में, नोड जेएस 10 में लिखना है और एंट्री पॉइंट थंबनेल होगा, ट्रिगर होगा क्लाउड स्टोरेज में। ठीक है भाई तो ये अपना बन गया है, तो एक बार इसको भी चेक माई प्रोग्रेस करके देख लेते हैं, हो गया। अब क्लाउड फंक्शन बनाना है तो क्लाउड फंक्शन पे जाएंगे, क्रिएट अ फंक्शन पे जाते हैं, फंक्शन का नाम ये रहने देते हैं, इन्होंने कहा था रीजन US ईस्ट 1 रखना जहाँ भी रखना, और ट्रिगर टाइप क्या है, ट्रिगर टाइप है क्लाउड स्टोरेज। ठीक है भाई तो ट्रिगर टाइप में क्लाउड स्टोरेज चले जाते हैं, नीचे आते हैं और फाइनलाइजिंग क्रिएट रहेगा, हाँ फाइनलाइजिंग क्रिएट रहेगा क्योंकि उसमें स्टोरेज का है, और बकेट को ब्राउज करके सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ये सेव कर देते हैं, हो गया और तो कुछ नहीं करना ना भाई। ठीक है अब नेक्स्ट कर देते हैं, एंट्री पॉइंट है अपना थंबनेल, तो एंट्री पॉइंट यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं और इसको हटा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है इंडेक्स डॉट जेएस के लिए ये दिया है इसमें, इसमें क्या करना है 15 लाइन को चेंज करना है, 15 लाइन पे, अच्छा ये वाली लाइन, ठीक है तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ऐसे पेस्ट करना है कंट्रोल ए और कंट्रोल बी। ठीक है ये मैंने विंडोज का बताया है, वही अगर मैक पे होंगे तो कंट्रोल की जगह कमांड कर लेना। ठीक है
तो ये हो गया 15 लाइन में हम लोगों को टॉपिक का नाम हटाना था, टॉपिक का नाम रखा था हम लोगों ने माई टॉपिक, ठीक है। तो ये यहाँ से आए माई टॉपिक, ठीक है भाई, हो गया। और क्या करना है, पैकेज डॉट जेसन भी दिया है, इसको कॉपी करो। फिर से वही कमांड ए कमांड बी, ठीक है, ये मैक का है, ठीक है। तो ये सब हो गया, और कुछ नहीं करना है। यू मस्ट अपलोड 1 GB इनटू द बकेट आफ्टर क्रिएटिंग, अच्छा ठीक है। चलो भाई पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। इसमें यहाँ पे पेस्ट किया, सेव इमेजेस पे गए, मैप ठीक है भाई मैप ही रख लो। अब इसको डिप्लॉय पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यार हम लोग 2 मिनट वेट करेंगे, ये फंक्शन बन जाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा है कि ये बकेट में ये वाली पिक्चर को अपलोड करना है, ठीक है। तो एक बार ये फंक्शन डिप्लॉय हो जाने दो, उसके बाद करते हैं, ठीक है। तो अब यार अपना क्लाउड फंक्शन डिप्लॉय हो चुका है, अब हम लोग उस इमेज को अपलोड कर देते हैं क्लाउड स्टोरेज में, ठीक है, बकेट में। ये रही अपनी बकेट सेकेंड वाली जो उन्होंने बनाई थी। यहाँ पे अपलोड फाइल्स में जाते हैं और इस फाइल को अपलोड कर देते हैं। काफ़ी फ्रेंड्स ने मेरी ये लैब करी थी, तो उनको कुछ नए नए चीज़ों से डाउट आ रहे थे। तो अगर आपको कहीं भी डाउट है तो मुझे बता देना, ठीक है। जैसे क्या हुआ था कि फ्रेंड ने ये लैब 3 बार करी थी और सारी चीज़ें सही करी थी, मैंने खुद चेक किया था। बट प्रॉब्लम उसमें ये थी कि उसने मैप डॉट जेपी ईजी को उसने जेपी जी किया, तब उसकी लैब चल गई। तब तक जेपी ईजी कर रहा था तो लैब नहीं चल रही। तो हम लोग बींग ऑन द सेफर साइड JPG ही लिख देते पहली बार में, ठीक है। तो अब इसको रिफ्रेश करेंगे, हाँ थंबनेल की बन चुकी है, ठीक है, अपना टास्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। चेक माय प्रोग्रेस किया तो अपना टास्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। पर यार ये डाउट पता नहीं क्यों आ रहा था, मैंने भी इसको करके देखा था, उसकी लैब मैंने भी करके देखी थी, तो उसने JPEG को जहाँ JPG किया तो हो गया। क्योंकि देखो इसमें यहाँ पे लिखा है यूज़ एनी JPG और PNG फाइल, ठीक है। बट यार JPEG में इतना कुछ फर्क आता नहीं है, बट इसमें था यार, तो मैंने सोचा आप लोगों को पहले बता दूँ। पर जी आप लोगों को डाउट है तो फिर भी कोई भी और तरीके का डाउट है तो मुझे बताना, क्योंकि मैंने काफ़ी फ्रेंड्स की लैब करी है तो मैं सारे डाउट एक हद तक सब समझ गया हूँ इसमें, ठीक है। अगर ये टास्क हो गया, अब अपना फोर्थ वाला टास्क करते हैं, ठीक है। रिमूव द प्रीवियस क्लाउड इंजीनियर, यू विल सी देयर आर टू यूजर्स, वन इज योर अकाउंट विद द रोल ऑफ ऑनर एंड अदर विद द रोल ऑफ व्यूअर। तो व्यूअर वाले को हटाना है, ठीक है भाई। तो हटाने के लिए अगर आपने IAM वाली लैब मेरी देखी होगी तो हम लोग IAM एंड एडमिन पे जाते हैं, ठीक है। ये देखो यार ये हम लोग का अकाउंट है मेन वाला जो अभी चल रहा है, इसमें क्या है, हमें लोग ऑनर है, हमें लोग एडमिन है, हमें लोग व्यूअर है। जो सेकंड वाला ये वाला है जो व्यूअर है, इसको हटाना है हम लोग। हटाने के लिए हम लोग यहाँ पेंसिल वाले पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ डस्टबिन पे क्लिक करना पड़ेगा, उसको सेव करना पड़ेगा, बस इतना करना पड़ेगा, ठीक है। आप चल के चेक में प्रोग्रेस कर लेते हैं, हो गया, ठीक है। तो यार ये अपनी चैनल लाइफ कंप्लीट हो गई सेकंड वाली। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी यार इसमें हो सकता है काफ़ी बार कि आप सब कुछ सही करें और ना हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा जितनी जल्दी हो पाएगा, ठीक है। तो यार अगर इस वीडियो से कोई भी वैल्यू एडिशन हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करें, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड ट्राई कर रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना यार, उससे मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलो फिर चलते हैं।